और वहीं जींद में डेंगू के साथ चिकनगुनिया के भी मरीज सामने आए हैं। जिले में डेंगू के चार तो चिकनगुनिया के दो नए मरीज आए हैं सामने। सिविल अस्पताल में मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है। मामलों में इजाफा होने से अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं, तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए अब इजाफा जो है वो लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। जिले में डेंगू के चार तो चिकनगुनिया के दो नए मरीज सामने आए हैं। सिविल अस्पताल में मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है। फिलहाल हमारे पास तीन पेशेंट एडमिट हैं जो डेंगू पॉजिटिव हैं, और उन पेशेंटों में देखभाल के दौरान काफी सुधार आया है, अब वो बिल्कुल ठीक है। और हमारे पास टोटल 36 बेड जिनमें से 12 बेड डेंगू के बनाए गए हैं, और काफ़ी पेशेंट खांसी बुखार जुकाम ये आ रहे लगातार फीवर से, और एक एक बेड पर दो दो पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारे जीन में करीब 158 मरीज जो है डेंगू के आ चुके हैं, और दो पेशेंट जो हैं चिकनगुनिया के डायग्नोस। अब तक जो है करीब 1721 व्यक्तियों को हम नोटिसेज दे चुके हैं जिनके घरों में या कंटेनर्स में लार्वा मिले हैं, और करीब 7600 जो कंटेनर्स हैं उनके अंदर लार्वा मिले हैं, और करीब 7200 घरों के अंदर लार्वा मिले हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बढ़ते हुए डेंगू के प्रकोप को देखते हुए आप सब लोग स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें,